हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने वो सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आप होटल जैसे एक करी बना सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर को बहुत ही खुश कर सकते हैं। तो आइए झटपट बना लेते हैं ये करी। पहले मिक्सर ग्राइंडर में टोमेटो, लहसुन, अदरक और दो मिर्च ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर में फाइन पेस्ट बना लीजिए। इधर एक बाउल में आधी छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। ध्यान रखें, सौंफ पाउडर ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने अंडे बॉईल करके रखे हैं, उसे एक चम्मच या फोक के मदद से चारों तरफ छेद कर ले। फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक लेकर अच्छे से मिला ले। अभी अंडे को लाल होने तक अच्छे से फ्राई कर ले। उसी तेल में दो मिर्च और साबुत जीरा लेकर अच्छे से भून ले। अभी बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। ध्यान रखें प्याज एकदम बारीक कटा हुआ हो, इसे हम मीडियम आंच पर ही ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें जो पेस्ट करके रखा था टोमेटो, अदरक, लहसुन साथ में वो डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला के ढक के दो मिनट पकाएंगे। साथ में जो मसाला पेस्ट करके रखा था उसे भी मिला देंगे थोड़ा पानी देकर, ताकि मसाला जले ना। अब अच्छे से मिलाकर तब तक पकाएंगे जब तक सब मसाला अच्छे से फ्राई ना हो जाए। अभी थोड़ा सा नमक डालकर और गर्म पानी डाल देंगे। याद रखिए गर्म पानी से स्वाद बढ़ता है। अभी फ्राई किया हुआ अंडा डाल देंगे, डालकर और 2 से 5 मिनट तक ढककर पकने देंगे। इसी से हो जाएगा हमारा अंडा करी रेडी। बहुत ही टेस्टी होता है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।